एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। आज हम वेक्टर कैलकुलस का जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा था, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, हमारे पास थ्री वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। जब हम तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो प्रूव करते इक्वल टू जीरो, तो हमने कहा था ए बी सी आर को प्लेनर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके थे। फिर हमने बताया था आपको वॉल्यूम, ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम क्या था आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। फिर हमने क्या था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का जो हमारे पास वॉल्यूम था वो क्या था, 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो हम इसको यूज करेंगे, इसको फॉर्मूले को। तो सबसे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास। तो एग्जांपल फर्स्ट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। Find the volume of the parallel pipe. Find the volume of the parallel pipe whose edges are represented by, whose edges are represented. Represented by तीन वेक्टर दे रखे होंगे आपके पास। फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास वेक्टर फर्स्ट 2i-3j+4b, सेकेंड वेक्टर हमारे पास i+2j-k, और थर्ड वेक्टर है हमारे पास 3i-j+2k। ये तीन वेक्टर हमारे पास गिवन है, और जब ये तीन वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हम बता चुके हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स से करेंगे हम, ठीक है। तो ये था आपके पास तीन वेक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप is equal to scalar triple product of AB. और scalar triple product with the help of the determinants कैसे find out करते हैं हम? This. सबसे पहले हम लिखेंगे A. और A में ij के जो coefficient है वो क्या क्या दे रखे हैं? Excuse me.
तो क्या दे रखा है, पहला हमारे पास टू, फिर कितना है आपके पास माइनस थ्री, फिर है आपके पास फोर, इसी तरह से वन टू माइनस वन, फिर है हमारे पास थ्री माइनस वन टू, ठीक है। तो इनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका, विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो जैसे डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया फोर और ये माइनस हो गया वन, टू इंटू फोर माइनस वन, फिर ये माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस का थ्री हो गया, और इसको इसके छोड़ देंगे तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया थ्री, और लास्ट में आपके पास फोर, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस वन माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टू इंटू थ्री, फिर ये हो गया थ्री इंटू फाइव, फिर हो गया आपके पास प्लस के फोर इंटू में माइनस सेवन, तो ये आपके पास हो गया सिक्स प्लस के फिफ्टीन माइनस के ट्वेंटी एट, ये आ गया माइनस के सेवन। लेकिन हम न्यूमेरिकली लेते हैं इसलिए वॉल्यूम पूछा गया है, तो सेवन क्यूबिक यूनिट आ गया आपके पास। वैसे तो हम वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, बट हेयर इज द वेक्टर, तो क्यूबिक यूनिट आ गया आपके पास। और न्यूमेरिकली हम लेते हैं इसका, तो इसमें हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना था, तो वॉल्यूम हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, कि अगर आपके पास तीन वेक्टर दे रखे हैं और ये तीनों का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसी अननोन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। कंडीशन क्या दे रखी है, जो वैक्टर है वो कैसे है हमारे पास, कोप्लेनर, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर, फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो सेम कंडीशन यहाँ आपके पास कोप्लेनर की लगाएंगे हम, और कोप्लेनर की क्या थी, जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, जीरो। तो आपके पास जो तीन वेक्टर दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, टू आई माइनस में सेवन जे प्लस में लैम्डा के, ये तो एक दे रखा है। दूसरा वेक्टर आपके पास दे रखा है सेकेंड वैक्टर आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे माइनस में आपके पास के है, एंड थर्ड वेक्टर सी, और जो सी वेक्टर गिवन है तो वो सी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, थ्री आई माइनस, थ्री आई माइनस के फाइव जे और प्लस के टू के। तो ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, कोप्लेनर दे रखा है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन क्या है कोप्लेनर की, तो हम क्या लिख देंगे, एज या सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर दे रखे हैं ना हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या दे रखे थे, कोप्लेनर। तो हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स क्या है, अगर ये कोप्लेनर है तो दैट मीन्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, जीरो। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इक्वल टू जीरो आपके पास दिया हुआ है। तो ए में आई जे के जो कोफिशियंट है वो है आपके पास टू माइनस सेवन लैमडा, बी में है आपके पास यहाँ पर वन टू माइनस वन, और सी में है आपके पास थ्री माइनस फाइव टू। तो ये आपके पास क्या दे रखे थे, तीन वेक्टर दे रखे थे, और हमें कंडीशन दे रखी थी कि कैसे हैं हमारे पास तीनों वेक्टर, कैसे हैं कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है, तो इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिएगा, तो The help of determinants, so determinants सबको solve करना आता है, तो हम इसका determinants find out कर रहे हैं, तो 2 into, जिसमें हमारे पास ये 2 आ रहा है, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा, और ये आपके पास विद नेगेटिव साइन माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास 7, और ये जिसमें 7 इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3, और इसी तरह से लास्ट में लैम्डा है आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का फाइव और माइनस का सिक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। कहाँ से आया है, जीरो, क्योंकि कोप्लेनर दे रखे हैं।
और कॉपलेनर दे रखा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, और यहाँ सेवन इंटू क्या हो जाएगा आपके पास फाइव, और यहाँ आपके पास प्लस के लैम्डा इंटू माइनस के इलेवन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ आ गया माइनस के टू, यहाँ आ गया आपके पास थर्टी फाइव, यहाँ आ गया आपके पास माइनस के इलेवन लैम्डा इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के इलेवन लैम्डा प्लस के थर्टी थ्री, लेकिन इधर जाके माइनस का थर्टी थ्री हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया इलेवन बाई थर्टी थ्री, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया थ्री, कब जब तीन वैक्टर आपको कोप्लेनर दे रखे हैं। तो ये था हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल था फर्स्ट की तरह से, फर्स्ट में आपके पास सिर्फ वॉल्यूम निकलवाया गया था और सेकेंड में कोप्लेनर की कंडीशन दे रखी थी। तो हमने किया तो क्या डिटरमिनेंट से निकाला तीनों वैक्टर का, इसमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है वो लिखा है शो दैट द वेक्टर दिस दिस आर कोप्लेनर। अब इसमें शो करना है तो जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो शो दैट वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर है आपके पास, एक तो ये दे रखा है ए माइनस टू बी प्लस में थ्री सी, दूसरा वेक्टर आपके पास दे रखा है माइनस के टू ए प्लस के थ्री बी माइनस के फोर सी, और तीसरा वेक्टर अपने पास दे रखा है ए माइनस थ्री बी और प्लस के फाइव सी। आर कैसे दे रखे हैं, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर ये शो करना है, सॉरी दे नहीं रखे, क्या करना है इसको हमें शो करना है, तो ये कोप्लेनर शो करेंगे, और कोप्लेनर शो करने के लिए इन तीनों वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या कर दें जीरो कर दें। तो इसको कैसे करेंगे, अभी तीन वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं हमारे पास, तो एक को पी वेक्टर मान लेते हैं, तो पी वेक्टर क्या हुआ ए माइनस में टू बी, ए माइनस में टू बी प्लस में थ्री सी, दूसरा दे रखा है क्यू वेक्टर, दूसरा जो दे रखा है उसको क्यू मान लेते हैं, माइनस के टू ए प्लस के थ्री बी माइनस का फोर सी, और तीसरा आपके पास आर वेक्टर है और वो क्या हुआ ए माइनस में थ्री बी प्लस में फाइव सी। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बताया था ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पी और पी क्यू आर है तो ये क्यू ले लिया हमने और क्रॉस आर, तो सबसे पहले हमें क्यू क्रॉस आर निकालना पड़ेगा और जो भी आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट। अब इनको एबीसी क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी एबीसी आपके पास वेक्टर दे रखे हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करेंगे हम इक्वल टू जीरो, वी टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें, वी हैव टू शो दैट दिस मीन्स पी डॉट क्यू क्रॉस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्यू क्रॉस आर, क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस के टू ए प्लस के थ्री बी माइनस का फोर सी, क्रॉस आर, आर क्या है आपके पास यहाँ पर ए माइनस का थ्री बी प्लस का फाइव सी। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे लेकिन सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है जीरो। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट पे जाएगा तो नेक्स्ट में यहाँ भी माइनस टू है, यह माइनस थ्री है, तो यह आ गया आपके पास सिक्स। ठीक है, और किसका कर रहे हैं ए का बी के साथ, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का टेन आ जाएगा और ये ए क्रॉस सी। नेक्स्ट ये आ गया आपके पास थ्री बी क्रॉस ए, और B को B के साथ करेंगे जीरो, और नेक्स्ट आएगा आपके पास थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन B क्रॉस C, और नेक्स्ट क्या होगा C को A के साथ करेंगे तो माइनस का फोर क्या आएगा C क्रॉस A, और नेक्स्ट में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, और ये क्या हो गया आपके पास C क्रॉस B, C को C के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि या तो ये पैरेलल होंगे या जीरो डिग्री एंगल बनाएगा। तो आप रीजन में लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ हम लिख देते हैं कि क्या क्या जीरो कर दिया हमने, A क्रॉस A,
क्रॉस बी और जहां पर सी क्रॉस सी था उन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। इतना समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी और यहाँ है बी क्रॉस ए, और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा आपके पास विद नेगेटिव साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास था यहाँ पर सिक्स ए क्रॉस बी और ये क्या बन जाएगा माइनस के थ्री ए क्रॉस बी, एक पेयर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ए क्रॉस सी, जबकि साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो सी क्रॉस ए आना चाहिए, तो आपकी मर्जी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सी क्रॉस ए तो इसका चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 क्योंकि साइन चेंज कर दिया माइनस से प्लस हो गया, इसको सी क्रॉस ए कर दिया और वहां ऑलरेडी आपके पास माइनस दे रखा है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। एक पेयर और बच गया, ये ले चुके हैं हम बी क्रॉस सी, तो B के बाद C आता है साइक्लिक के अकॉर्डिंग, ये आपका बिल्कुल ठीक है तो आप लिख सकते हो B क्रॉस C और लास्ट में आपके पास C क्रॉस B है तो इसका साइन चेंज कर देंगे माइनस का हो जाएगा और ये क्या बन गया आपके पास B क्रॉस C, ठीक है। तो ये आ गया 6 माइनस 3 तो ये कितना आ गया 3 और ये हो गया A क्रॉस B। या 10 माइनस 4 तो ये हो गया आपके पास 6 B क्रॉस A, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 3 बी क्रॉस सी। और अब इसको किसके साथ करना है, पी के साथ। ये क्या था आपके पास, क्या चल रहा है, क्यू क्रॉस आर। तो अब हम करेंगे पी डॉट क्यू क्रॉस आर। पी क्या था आपके पास, पी वेक्टर था सॉरी पी वेक्टर था अपने पास ए माइनस टू बी प्लस में थ्री सी और डॉट करेंगे अब इसके इसके साथ थ्री इंटू में ए क्रॉस बी प्लस सिक्स सी क्रॉस ए प्लस थ्री बी क्रॉस सी। एक ही डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे तो जीरो, एक ही इसके साथ करेंगे तो जीरो, एक ही इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा थ्री स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ए है, हमने प्रॉपर्टी में बताया था जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो जीरो बन जाता है। इसी तरह से यहाँ ए है यहाँ भी है, ऐसे बी का साथ करेंगे ये जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस के 12 बी सी ए और इसी तरह से सी के साथ करेंगे तो फर्स्ट वाला बचेगा माइनस का क्या बचेगा आपके पास 9 प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9 नहीं क्या प्लस का 9 प्लस का 9 और ये क्या आ गया सी ए बी और आप देख रहे हैं कि ये 9 ये 3 12 0 तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसमें हमें क्या करना था, पॉपलेनर प्रूफ करना था। तो ये आज हमने आपको तीन एग्जांपल करवाए, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी वो आपको खुद करनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।